नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। देखिए, एक बड़ी खबर आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिल्म नायक की याद दिलाना चाहता हूं। जी हां, फिल्म नायक आपको याद होगी कि जिस तरह से उसमें भी देखने को मिला था कि एक पत्रकार थे अनिल कपूर, जिन्होंने एक पत्रकार का किरदार निभाया था। एक दिन का सीएम बनने के लिए उन्हें ऑफर किया गया था मंत्री की तरफ से। जी हाँ, दरअसल मैं फिल्म नायक की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिल्कुल हूबहू उस फिल्म से जुड़ी हुई है। चलिए खबर की तरफ रुख कर लेते हैं और बात कर लेते हैं कि आखिरकार खबर क्या है। देखिए, जब पीयूष गोयल ने पत्रकार से पूछा कि क्या एक दिन का रेल मंत्री आप बनेंगे, ऑफर दिया है सामने से, और इस ऑफर को मिलने के बाद जो है पत्रकार भी एक बार के लिए अचंभित हो गए। देखिए, दरअसल हुआ यूं कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जब 4 साल में रेलवे की उपलब्धियों का बखान करते हुए महकमे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक पत्रकार से उनकी भेंट हुई। पत्रकार ने रेलवे की समस्याओं को दूर करने के लिए तमाम सुझावों से संबंधित पत्र उन्हें सौंपा। इस पर रेल मंत्री मुस्कुराने लगे और उन्होंने पत्रकार को एक ऑफर दिया। यह ऑफर था कि आप एक दिन के लिए रेल मंत्री बनने का। उसी दौरान जैसा कि देखने को भी मिला कि जैसे ही ऑफर के बारे में पत्रकार ने सुना तो वो भी एक पल के लिए अचंभित हो गया कि आखिरकार ये रेल मंत्री ने क्या कह दिया। बिल्कुल, देखिए, अगर हम फिल्मों की बात करते हैं तो फिल्में जो बनाई जाती हैं कहीं ना कहीं जीवन की जो आधारित घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को देखते हुए ही फिल्मों का निर्माण किया जाता है। और बिल्कुल हूबहू वही चीज़ जो है यहाँ पर हमें देखने को मिली, इस खबर में देखने को मिली कि जिस तरह से पीयूष गोयल ने पत्रकार से कहा कि रेल मंत्रालय एक दिन के लिए आप संभाल के देखिए। देखिए, दरअसल पीयूष गोयल के कहने का मतलब ये था कि उनके ऊपर कितना काम होता है, कितना प्रेशर होता है और किस तरीके से कितनी तकनीकों से वो काम करते हैं वो ही जानते हैं। जिस तरह से उनसे सवाल जवाब पूछा जा रहा था रेल की सुरक्षा को लेकर, रेल के इंतज़ाम को लेकर और तमाम तरह की जो है बातचीत उनसे की जा रही थी, तो उस दौरान उन्होंने रेल मंत्री बनने का पत्रकार को ऑफर दिया। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर फिल्म नायक की वही घटना सबके दिमाग में है और वही सीन जो है यहाँ पर सबको देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से पत्रकार ने उस दौरान फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि फिल्म की और असली ज़िंदगी की हकीकत बहुत अलग होती है। जी हाँ, फिल्मों में एक तरफ जो दिखाया जाता है बहुत आसान लगता है, लेकिन रियल लाइफ की अगर हम बात करें तो रियल लाइफ में ऐसा होना नामुमकिन होता है, क्योंकि फिल्म को फिल्म के हिसाब से बनाई जाती है। और अगर रियल लाइफ की बात देखें तो रियल लाइफ में जो होता है और जिस तरह से जब जिम्मेदारी संभालने को दी जाती है तो उस दौरान एक दिन जो है पूरा सभी काम समझने में लग जाता है। देखिए, रिपोर्ट्स की तरफ दोबारा मैं रुक कर लेता हूं और बात करता हूं। देखिए, पत्रकार ने रेलवे की समस्याओं को दूर करने के लिए तमाम सुझावों से संबंधित पत्र उन्हें सौंपा। इस पर रेल मंत्री मुस्कुराने लगे और उन्होंने पत्रकार को एक ऑफर दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए, बल्कि रेल बोर्ड चेयरमैन को इस तरह का एक मॉक इवेंट भी आयोजित करने को कहा ताकि हर किसी का मनोरंजन हो सके। बता दें, पिछले 2 महीनों से ट्रेन के देरी से संचालन के कारण रेलवे को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है। जी हाँ, देखिए, रेलवे के लेट लतीफ की अगर मैं बात करता हूँ तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब यात्री रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि ट्रेन तो 4 घंटे लेट है, तो उस दौरान क्या स्थिति होती है, जो पैसेंजर वहाँ पर खड़े होते हैं, जो यात्री खड़े होते हैं, तो उन्हें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में देखिए, अक्सर ये कोई नया मामला नहीं है। अगर मैं ट्रेन की लेट लतीफ़ी की बात करूं, समय की बात करूं, तो जिस तरह से जो समय दिया जाता है लेकिन उस समय पर ट्रेन नहीं पहुंचती, तो कहीं ना कहीं इससे जिस तरह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन्होंने अपनी बात भी कही है। रेलवे की हम अगर बात कर लेते हैं तो रेलवे में खाने को लेकर भी बात करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये देखने को मिला है, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, ऐसा कई बार देखने को मिला है कि जो भी रेल में खाना परोसा जाता है लोगों को, वो खाना सही ढंग से नहीं बनाया जाता है। इस वजह से भी यात्रियों की सेहत के साथ खिलवाड़
किया जाता है। तो कुछ इसी तरह के जो सवाल हैं वो रेल मंत्री से पूछे जा रहे थे। बता दें कि पिछले महीनों से ट्रेनों की देरी से संचालन के कारण रेलवे को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। कई गाड़ियों ने तो 50-50 घंटे देरी का रिकॉर्ड भी बनाया। समय से चलने के लिए राजधानी सुपरफास्ट जैसी ट्रेनों की पहचान रही, मगर वह भी देरी का शिकार कई मौके पर होती हैं। रेलवे बोर्ड इसके पीछे मेंटेनेंस का जिम्मेदार बचाकर बचाव करता रहा है, लेकिन अब वक्त आगे बढ़ चुका है और जिस तरह से अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हैं मंत्रालय या मंत्रियों की तरफ से, तो ये जनता को भी समझ में आती है। और अब पर्दा ना डालते हुए अपनी गलतियों पर, आखिरकार गलतियां हो कहां रही हैं और आखिरकार क्यों ट्रेनें लेट लतीफ चल रही हैं, इस बारे में भी जो है जानकारी दी गई। देखिए, बात कर लेते हैं आगे की खबर की। हालांकि बीते दिनों एक मीटिंग में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस तरीके को मानने से इनकार करते हुए कहा कि ट्रेनों के संचालन में देरी के पीछे मरम्मत की बात करना सिर्फ बहाना। उन्होंने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को साफ हिदायत भी दी कि अगर उन्होंने ट्रेनों का समय से संचालन नहीं कराया तो उनके प्रमोशन रोक दिए जाएंगे। यह निर्देश उन्होंने सभी DRM को जारी भी किए। देखिए, जब बात प्रमोशन की होती है, जब बात सैलरी की होती है, तो काम फटाफट होना शुरू हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिला है। इतना बड़ा फैसला लिया गया है और अब ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब ट्रेनें लेट नहीं होंगी। अगर ट्रेनों में लेट होता है या फिर समय से वो स्टेशन पर नहीं पहुंचती है तो उसका खामियाजा अधिकारियों को भुगतना पड़ सकता है। और वाकई में देखिए, जैसे कि हम रेल की ही बात कर रहे हैं, अक्सर देखने को मिला है अभी कुछ समय पहले से कि जिस तरह से पटरियों की अगर हम बात करें तो पटरियां जिस तरह से ख़राब हो गई थी, पटरियां जिस तरह से टूट गई थी, कई रेल हादसे भी हुए, कई घटनाएं देखने को मिली, कई लोगों की जिंदगियां उसमें तबाह हो गई, और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं रेलवे की तरफ से लापरवाही के चलते हुआ। तो कहीं ना कहीं रेलवे की लापरवाही ने कई मासूम जिंदगियों को अपने कह सकते हैं कि मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया और वो मौत के मुँह में समा गए वो लोग। तो कुल मिलाकर यह है कि अब जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि रेल मंत्री की अगर मैं बात करता हूँ पीयूष गोयल की, तो उन्होंने जिस तरह से पत्रकार को ऑफर दिया और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि उनके ऊपर एक काम नहीं होता, कई काम होता है और कई रणनीति के तहत उन्हें काम करना पड़ता है, सभी चीज़ों को ध्यान में रख के काम करना पड़ता है। तो जिस तरह से समझा जाता है कि जो है काम आसान होता है, लेकिन काम आसान नहीं होता। जब जिम्मेदारी दी जाती है तब उस वक्त पता चलता है कि आखिरकार काम होता क्या है। तो ये कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की गई है। और देखिए, जैसा कि हमने बात भी की रेलवे को लेकर, तो लोकसभा चुनाव की जैसा कि अब हम बात भी कर लेते हैं, लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में अगर यात्रियों को सुविधाएँ नहीं मुहैया करवाई जाती या फिर यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का असर भी वोट बैंक पर देखने को मिल सकता है। तो अब रेलवे की तरफ से जिस तरह से फटाफट काम करवाए जा रहे हैं, जिस तरह से हर बारीकियों की जांच की जा रही है, काम कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, आखिरकार ट्रेनें लेट क्यों हो रही हैं, क्या गड़बड़ियाँ हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, भले ही चुनाव नज़दीक है और चुनाव से पहले इस तरह का काम करवाया जा रहा, तो ये काम कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। जो ट्रेनें 4-5 घंटे की देरी से लेट से चल रही थी, वो ट्रेनें अब अपने समय पर पहुंचेंगी। वो देखिए, वो बात अलग होती है कि किसी वजह से या किसी परेशानी के चलते जो है ट्रेनें 1-2 घंटे लेट हो जाती है, लेकिन 5 घंटे और 6 घंटे लेट होना वाकई में बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे में इन चीज़ों पर काम किया जा रहा है मंत्रालय की तरफ से, और कहीं ना कहीं अगर इन पर सही ढंग से काम किया जाता है और इन समस्याओं का सही ढंग से इन्हें सुलझाया जाता है, तो वाकई में इससे ना सिर्फ यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी बल्कि रेलवे की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसमें भी बहुत बड़ा इजाफा होगा। और ये बात भी निकल कर सामने आएगी कि मोदी सरकार में रेलवे को लेकर बहुत अच्छे कदम उठाए गए। अब देखिए, तय करना है रेल मंत्री पीयूष गोयल को कि कैसे और रेलवे की स्थिति को बेहतर बनाया जाए, कैसे और तमाम तरीके से लोगों की परेशानियों को हल किया जाए। अगर हम बात करते हैं रेलवे में जो खाना परोसा जाता है, जो चाय या फिर और चीज़ें जो होती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं शुद्ध और साफ नहीं होती हैं, तो इस पर भी काम
शुरू किया जाना चाहिए, क्यों दिक्कतें होती हैं और क्यों गलत तरीके से खाना बनाया जाता है, इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि यात्रियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो और ताकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।